हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं कृष्णा ने एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आ चुका है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट करना होगा। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अलग अलग पार्ट में 3 वीडियो शूट किया हूँ, तो तीनों वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैंने तीनों वीडियो में से ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिया हूं, तो आपको भी म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो को मैं एक बार से दो बार प्ले करके दिखा दूंगा वीडियो को आपको किस प्रकार शूट करना है। सिंपल देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट करना है और नीचे की तरफ कुछ इस तरह से हो जाना है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं इस पोजिशन में आया और जैसे नीचे की तरफ आते इस पोजिशन में आना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोजिशन में आना, हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है। इसके बाद मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन में लेकर आ जाना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है और इस वीडियो में से आपका कुछ सीन चाहिए, जैसे कि आप लड़का है जो बैठता है कुछ इस पोजीशन में और ये सीन चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पोजीशन में आना है, 3:2 लेफ्ट करेंगे, इसके बाद अगेन वीडियो को लेकर आना है, ठीक है। जैसे इस पोजीशन में आना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देता हूँ मैं। इसके बाद लास्ट वाले वीडियो को हम डिलीट कर देते हैं, हम फाइनली वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो इसके बाद कुछ इस तरह से हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो एडिट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको फ्लैप करना है। तो आपको हाथ में पाउडर लेना है कुछ इस तरह से, तो मैंने हाथ में देख सकते हैं हल्का सा पाउडर ले लिया हूँ, ठीक है। तो आपको पाउडर लेना है और कुछ फ्लैप करना है कुछ इस तरह से, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने फ्लैप किया हूँ, इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा 3:2 लेफ्ट करेंगे। जो पार्ट आपको फ्लैप कर रहा है इस पोजीशन में आना है, लेकिन ध्यान रखना जैसे आप फ्लैप करते हैं आपका कपड़ा चेंज हो जाना चाहिए। तो थोड़ा मैं इससे पहले बैक कर लेता हूँ, इस पोजीशन में आना है और यहाँ पर आपको स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। तो इस पार्ट में मेरा बहुत सारे पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। जो पाउडर का पार्ट दिख रहा है वो हमें दिखना नहीं चाहिए, बस यही पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से फ्लैप किया था, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से आना है और इसके बाद 3:2 लेफ्ट कर देंगे इस पोजीशन से, ठीक है। यहाँ से हमें लेना है, इसके बाद 3:2 लेफ्ट कर दिया हूँ। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आना है हमें, इस पोजीशन में आना और यहाँ पर हमें स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद इस वीडियो में आपको पाउडर का इफेक्ट देना है, तो मैं पाउडर का इफेक्ट में ले लेता हूँ। इस वीडियो को कुछ लास्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉट को चेंज कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी देख सकते हैं शॉट चेंज कर लिया हूँ, ठीक है। इस पोजिशन में हमें आना है शॉट चेंज करने के बाद, इसके बाद हमें 3:2 लेफ्ट करना है। जैसे शॉट चेंज करेंगे, इसके बाद जैसे यहाँ फ्लैप किया, फ्लैप करते ही आपको शॉट चेंज करना चाहिए। जैसे इस पोजिशन में जैसे ही आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद 3:2 लेफ्ट करेंगे और इस पोजीशन में जैसे ही आएंगे इसे हम बिल्कुल लास्ट कर देता हूँ। देख सकते यहाँ फ्लैप किया, आपका कपड़े चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह से टर्न लेना, इस पोजीशन में आना है। इसके बाद 3:2 लेफ्ट या स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है, ठीक है। इस पोजीशन में आना है, इसके बाद हम 3:2 राइट करते हैं हल्का पार्ट को। इसके बाद यहाँ पर भी फिर से आपको शॉट को चेंज कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर शॉट को चेंज कर लिया हूँ, फिर से इस पोजीशन में आना है जहाँ से आप टर्न ले रहे होते, इस पोजीशन में। इसके बाद 3:2 लेफ्ट करेंगे, इसके बाद अगेन कहाँ जहाँ से आप घूमना चालू करते हैं इस पोजीशन में हम घूम रहे हैं, यहाँ पर आना है और 3:2 लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट करेंगे और राइट साइड का पार्ट कुछ इस तरह से हमें टर्न ले लेना है, ठीक है। इसके बाद स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इस पार्ट को हमारा एडिट हो चुका है, तो इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। इसके बाद लास्ट पार्ट का हमारा वीडियो क्या करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने एक्ट किया हूँ। जैसे कि शॉर्ट को लूँगा, पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से आपको करना है, जैसे कि ऊपर से आप नीचे की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है।
इस पोजीशन में आना है और इसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। अगेन आई की तरफ लेकर आना, इस पोजीशन में आना है, इस पे तो प्ले हिट करना, इस पे करना है, लास्ट पोजीशन में आपको ले जाना है। जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका लग रहा है कि आप शॉट को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, शॉट को आपको लेना है, ऊपर से आपको नीचे की तरफ गिराना है, ठीक है। देखना आपको कहाँ से गिर रहा है, यहाँ से हमारा गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस पोजीशन में आना है और आपको इस पोजीशन में आता हूँ, स्पीड टू प्ले हिट करता हूँ, इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, आपको देखना है कहाँ तक आपको, यहाँ पे मैं स्पीड टू प्ले हिट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से लास्ट पोजीशन में कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है जैसे कि खोला ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ में फेंक दिया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट पोजीशन में आना है, आपको कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आपको तकिया रख देना है और कुछ इस तरह से आपको एक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ। इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट करता हूँ, राइट साइड का पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट करता हूँ। हमारा वीडियो में एक बार प्ले करता हूँ, साउंड को पहले मैं म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद जो इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं वन बाय वन करके डिलीट करूँगा, ठीक है। तो आपको देखना है, यहाँ पर थोड़ा स्पीड फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्लो लग रहा है, वीडियो हमारा काफ़ी कम टाइम का चाहिए, ठीक है। इससे हम फिर से कुछ इस तरह से अभी भी हमारा फास्ट करना है, इसे देख लेना अपने हिसाब से, जो भी जितनी स्पीड हो सके कर लेना। कुछ इस तरह से हमारा वीडियो हो गया, अब तो ऐसे ही तेज हुआ है तो हमारा कुछ बढ़िया वीडियो देखने में लग गया। जैसे यहाँ पर फ्लैप कर रहा है पार्ट हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, फ्लैप करते ही हमारा शॉट को चेंज होना चाहिए, तो इस पार्ट को आपको बिल्कुल लास्ट कर देना है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फ्लैप किया शॉट चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका टर्न लिया, हमारा कपड़ा यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। इस पार्ट को हमारा एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट भी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस पर डिलीट करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुआ, टर्न लिया ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर से आपको नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट को आपको स्लो मोशन करना है, सिंपल आपको स्पीड कंट्रोल पे आना है, 0.5 कर देना है। अब हमारा वीडियो लगभग यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको वीडियो को अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट करना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इस साउंड को मैंने म्यूट किया था, फिर से हम 100 कर देता हूँ। शेयर पे क्लिक करता हूँ, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।